नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आए गुरुद्वारे मणिगणा जो एक पहाड़ों के बीच में है और बहुत ही प्यारा है। मैं आपको दिखाऊंगी, आपको दर्शन कराऊंगी सबको, कैसे क्या है क्या नहीं है। और देख सकते हैं यहाँ से एंट्री होगी। और एक कुछ टाइम पहले ये टूट चुका था ये पुल, तो पर सब ठीक हो चुका था क्योंकि गुरु जी की कृपा थी सब पर। तो दिखाते हैं हम आपको, ये दिखा दो पहले यहाँ का गाँव जो है, जहाँ से पानी खोलता है, गर्म होता है, नेचुरल खाना बनता है और चावल उबलते हैं, सब कुछ उसी का ही उबला हुआ खाना हमें देते हैं। बहुत अच्छा होता है भंडारा, जब भी आप आए तो वो ज़रूर खाएं। ये देख रहे हैं ये धुआं, ये खोलता हुआ पानी है, आप इसमें हाथ भी डालोगे ना तो कुछ नहीं होगा, पर नहीं रिस्क नहीं लेना है क्योंकि वो वैसा पानी है गर्म गर्म। मगर तुम्हें इसका मज़ा लेना तो वहाँ जाके खड़े हो सकते हैं और स्क्रीन ले सकते हैं इसे। तो देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। और अभी अंदर दिखाते हैं पूरा, यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है और एक काली मंदिर भी, वो दिख रहा है आपको काली मंदिर, वो एक काली मंदिर भी है। ये गुरुद्वारा है, बहुत ही अच्छा अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। इसमें नहा सकते हैं, जो नीचे होता है ना वह बहुत खोलता हुआ होता है, ये नेचुरल पानी होता है, तो थोड़ा गर्म हल्का घूमना होता है तो नहा सकते हैं। तो हम जैसे लोग, हम लोग नहा कर आ चुके हैं, अब तक नहाना होगा तो नहा सकते हैं। कर दिया तो ये गुरु जी हैं, देख रहे हैं ये, इन्होंने यहाँ का कराता यहाँ खाना वाना, ताकि यहाँ जितने भी गांव वाले हैं कोई भूखा न रहे, सब कुछ अच्छे से सब कुछ रहे। और आज वही कृपया बनी हुई है इन पर, और सब जो भी आता है सब खाकर जाते हैं। यहाँ का होता है भंडारा, तो हर गुरुद्वारे में कोई भूखा नहीं होता, जो भी जाता है यहाँ खाकर ही जाता है। तो आइए अभी जूते चप्पलें पहने क्या क्या नहीं है, और हमें जूते चप्पल उतारने पड़ेंगे क्योंकि अंदर जूते चप्पल पहन के नहीं जा सकते। तो हम मिलते हैं अंदर, ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। देख रहे हो ये खोलता हुआ पानी है और ये नेचुरल पानी है, इसी में ही चावल वावल उबलते हैं, रोटियां भी बनती हैं इसमें। गाय भी है यहाँ पर, दूध वगैरह जैसे खीर बनानी होती है तो इन लोग इनका ही दूध यूज होता है इधर। कितनी प्यारी प्यारी गाय हैं, दिखा सकते हैं मणिगणा जो पानी खोलता हुआ दिख रहा है आपको, धुआं निकल रहा है, यहाँ का नेचुरल पानी जो है खोलता हुआ आता है। क्योंकि यहाँ की पार्किंग है, पार्किंग से हम लोग निकलेंगे, हमारी गाड़ी जा रही है पार्किंग के लिए। मैं ऊपर से दिखा देती हूँ आपको, पहले एक बार नज़ारा इसका आपको मैं गर्म पानी दिखाती हूँ जहाँ हाथ मुँह धोते हैं सारे, ठीक है। देखो पहले जूते उतार आते हैं ना, खोलता हुआ पानी है, यहाँ हाथ मुँह धोते हैं फिर अंदर जाते हैं सारे। पहले उससे पहले हम जूते उतारेंगे, उसके बाद आएंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ आएगा जूता घर, ये लिखा शूज, और यहाँ से दर्शन होंगे गुरु जी के। और अभी हम सब जा रहे हैं जूते उतारने घर, यहाँ का बहुत बड़ा स्पेस है, कितने भी लोग आए कुछ सबके लिए है। तो हमने शूज उतार लिए, अब हम जमा करने जा रहे हैं। आप जैसे एंट्री करके आपको जूते उतारने पड़ेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर रखिए जूते उतार। लोग बोलेंगे शोभा तब से कहाँ थी, एक भी बार वीडियो में नहीं आई हमारी, तब से ही अपने पति के साथ ही थी, क्या कर सकते हैं उसके साथ। हमारी माता रानियों के सारे और जो भगवान है सबकी फोटो लगी हुई है, तो हम लोग नीचे उतर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं जहाँ पानी है गर्म, उसको हम थोड़ा हाथ में लगाएंगे और ऊपर छिड़काव करेंगे। और नॉर्मल पानी मतलब गर्म ही है, नहा नहीं सकता मगर कुछ जिगरा चला सकता।
देख के डालना है, ज्यादा गर्म ना हो। मैं भी कह रहा हूँ डब्बे से डालना। ठीक है ठीक है। देखो कितना गर्म पानी दिख रहा है तुम्हारा दोस्तों, आपके लिए इतना करना पड़ रहा है, तो गुरुद्वारा है तो हमें आपको दोनों चाहिए। हाँ डाल सकते हैं, इतना नहीं है, अभी ज्यादा देर मत करना, पैर डालना। हाँ ऊपर हो, उधर नहाने का उधर है, तो नहाने का अलग है, वो दिखाएंगे आपको हम लोग। और चलते हैं अभी हम दर्शन करते गुरुद्वारे के, ठीक है, जहाँ गुरु जी का स्थान है। गुरुद्वारे में जहाँ गुरुद्वारा है, हमने कैप पहन रखी है, वहाँ कपड़ा जो पहले लंगर जहाँ सब लंगर खा रहे हैं। और यहाँ बन रहा है, ये गुरुजी हैं, तो ये सब पहन रहे हैं। इन लोगों ने ओपन करा था तो अभी लोगों ने सब पहन लिया, क्योंकि हम बिना उसके नहीं जा सकते, बोले तो नंगे सर पे नहीं जा सकते, तो हमें कपड़ा जरूरी लगता है। ये गुरुद्वारा है जो शांति के लिए लोग बैठते हैं थोड़ा बहुत पहाड़ों के बीचों बीच में। टोक देना भाई, तभी मैं चुपचाप कर रहा हूँ। टोक देना, टोक देना। हाँ ले लो दोबारा, नहीं नहीं करेगा। जो बोलो मैं एक चीज दिखाऊं, गुरुद्वारे के अंदर भगवानों की फोटो लगी हुई है, क्योंकि यहाँ शिवजी जी का भी मंदिर है। आपको दिखाते गुरुद्वारे के अंदर, यहाँ फोटोज भगवानों की लगी हुई है पिल्लर पे, दिखाती हूँ। ऐसी लग रही है सब, तो ये प्रसाद जो मिला है हमें यहाँ से, हर गुरुद्वारे में जब भी जहाँ जाओगे वहाँ ये प्रसाद जरूर मिलेगा, ये बहुत जरूरी है। और ऐसा लग रहा है जैसे हम शीश महल में आ गए हैं, देखो हर जगह शीशे का ही बना हुआ है, जड़ा हुआ है, बहुत मजा है और बहुत शांति है, बहुत ही शांति। आप भी टेस्ट कर लो गुरुद्वारे का प्रसाद, मैं भी खा रही हूँ। तो बोलो जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अभी नीचे जा रहे हैं जहाँ भंडारा होगा, और मिलते हैं, हमारा फूल की दर का हो गया है, सब अपना फूल की। और नीचे से चल रहे हैं, बहुत गर्म है, सर्दी का एहसास ही नहीं होगा। अभी हम भंडारा खाने आएंगे, तब भी खाएंगे प्रॉपर अच्छे से। अभी एक चीज़ और दिखाने वाली हूँ, जहाँ गुरु गोविंद जी बैठते थे उनका रूम था, और वहाँ गर्म रहता था हमेशा, जूते तो उतार दो, तो वो दिखाते हैं आपको रूम। देख सकते हैं गर्म हीट का जो निकलता है, गर्म भाप, ये भाप स्टीम टाइप का निकल रहा है, और ये पूरी जमीन बहुत गर्म है, मजा आया है। और ये वो गुफा है जहाँ गुरु जी बैठते थे, सच में बहुत गर्म है।
और ये गर्म रहता था हमेशा कमरा। बहुत सही है, कौन बैठते कौन से गुरु जी? चलो इधर से पूरा निकलेंगे, बाहर से इधर से निकलेंगे। अच्छा, इस बोले गुरुजी इतना शांत भी रहते थे सारे गुरुजी, जी शांति चाहिए, स्पेस चाहिए होता था। जो बोले सोनिया सत श्री अकाल। भाई बहुत गर्म हो रहा है, बस अब नहीं होगा गर्म। भगवान ने बहन को बहुत सारे केस मिले और मैंने कोई अच्छी बिजनेस में नहीं थी, अच्छी जॉब में केस मिल जाए भगवान, और मैं यूट्यूब पे अच्छे से पार हो जाऊँ। तो अब हम निकलते हैं मार्केट जरा, शोभा को मुश्किल नहीं है वैसे, रजत के लिए रजत की सारी से निकल गए। बहुत गर्म है। ओम नमः शिवाय। ये शिव जी का मंदिर है, हम अभी अंदर जाएंगे। मणिगिरी थी, शिव जी का मंदिर है, अभी दिखाएंगे प्रॉपर। अभी जाएंगे अंदर, देखो कितना धुआं निकल रहा है गर्म पानी का। खोलता हूँ पानी, देखो ये देखो, देख रहे आपको पानी। यहाँ से हमें प्लेट खानियाँ और अपने ग्लास देना। तो हम बैठ चुके हैं खाने के लिए, लंगर मिलने वाला है। दोनों हाथों से रोटी लेते हैं, दोनों हाथों से रोटी लेते हैं, उसके बाद आपकी सब्जी आएंगी और सब कुछ आएगा। बहुत ही टेस्टी होता है लंगर, कैसा भी हो, जो भंडारा हो, सब अच्छा लगता है। तो मिलते हैं पूरी प्रॉपर थाली लगाकर और फिर खाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे क्या क्या मिला। ओके, प्लेट लग चुकी है, हमें मिले चावल कड़ी और रोटी, साथ में पानी, और हम खा रहे हैं अब साथ में। खाने के बाद मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, चैन से खाली पर। तो ये प्लेट लग चुकी है, मैं खा रही हूँ इसको, बहुत ही टेस्टी है, और आपको ही बताती हूँ। गजब कड़ी है, जिंदगी में खाई नहीं है, मज़ा आ रहा है। तो बस खाना खाने के बाद आपको मिलते हैं। साड़ी का बर्तन धुलने जा रही है, देखिए बर्तन धुलने का पहला स्टेप करने जा रही है। पानी में सर्फ वाला पानी, फिर क्लियर वाला पानी आएगा। फाइनली क्लियर पानी में धुलते चुके हैं, अब ये और लोग यूज कर सकते हैं। वैसे जो भी खाएगा वो घर से हम अपने जूते ले रहे हैं और उसके बाद निकलते हैं बाहर। और
पूरा दिखा दिया हमने और हम फाइनली लास्ट में जूते पहनते हैं, उसके बाद फिर बस में बैठेंगे, फिर हम जाएंगे कसोल मार्केट, तो वहाँ मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं, बाय, थैंक यू। तो दोस्तों अब हम लोगों ने भंडारा खा लिया है और यहाँ के दर्शन हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपने बस में, फिर उसके बाद जाएंगे कसोल, कसोल की मार्केट घूमेंगे और यहाँ बहुत ही सुकून और मज़ेदार लगा और भगवान हर किसी पे कृपा बनाए रखें। लास्ट में हम जाते वक्त क्या बोलेंगे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।